उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कल हुआ एक बड़ा हादसा। अलीगंज थाना क्षेत्र स्थित गर्ल्स हॉस्टल में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया, जिसकी जानकारी पाते ही पूरे हॉस्टल की लड़कियों में अफरा तफरी मच गई। जिसकी जानकारी हॉस्टल में रह रही छात्राओं ने हॉस्टल मालिक पंकज तिवारी को दिया। वहीं साथ ही अलीगंज पुलिस को भी सूचित किया गया। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची और छात्रा को ट्रामा सेंटर पहुंचाया गया, जहां उसको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया। पूरा मामला अलीगंज थाना क्षेत्र के MI-69 सेक्टर बी निकट कपूरथला चौराहे का है, जहाँ बांदा निवासी 23 वर्षीय निधि गुप्ता उर्फ दिव्या गुप्ता हॉस्टल में अपनी छोटी बहन नीलम गुप्ता के साथ रहकर BSc थर्ड ईयर की तैयारी कर रही थी। वहीं हॉस्टल में मौजूद छात्राओं ने बताया कि सुबह करीब 7 बजे जब उसकी छोटी बहन कोचिंग निकलकर गई, उसके बाद ही करीब 9 बजे उसने पंखे के सहारे लटककर सुसाइड कर लिया। वहीं सूत्रों की माने तो अगर मकान मालिक ने थोड़ी भी तत्परता दिखाई होती तो शायद आज वो जिंदा होती, क्योंकि जिस वक्त पुलिस उसको ट्रामा सेंटर ले जा रही थी उस वक्त उसकी सांसें चल रही थी। अलीगंज CO दीपक कुमार ने बताया कि गर्ल्स हॉस्टल में निधि गुप्ता नाम की छात्रा ने सुसाइड किया है, जिसके पास से पुलिस ने सुसाइड नोट बरामद किया। साथ ही कहा है कि उसने सुसाइड नोट में कुछ खास नहीं लिखा है, बल्कि फिजिक्स के प्रैक्टिकल की तैयारी न होने पर आत्महत्या करने की बात कही। फिलहाल घटनास्थल का मुआयना कर जांच की जा रही है। आखिर उस छात्रा ने सुसाइड क्यों किया, इसकी पड़ताल जल्द ही सामने आ जाएगी। शांतम कुमार की रिपोर्ट, एंटी करप्शन न्यूज़ एंड न्यूज़।